हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है मधुमालती के ऊपर, मधुमालती के प्लांट की केयर के ऊपर, सॉइल के ऊपर कैसे इसकी केयर की जाए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये प्लांट देख सकते हैं, ये है मधुमालती का प्लांट जो कि सिर्फ 8 इंच के ही पॉट में लगा हुआ है और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हैं, बहुत अच्छी हो गई है। अब जैसे ही जुलाई अगस्त आएगा तो मैं इसकी रिपोर्टिंग कर दूंगी और 14 इंच के पॉट में इसको रिपोर्टिंग करके लगा दूंगी और अच्छे से ये ग्रो कर जाएगा। और ये एक परमानेंट प्लांट है। अगर आपको भी प्लांट्स की कमी है और आप एक ही प्लांट से अपने घर को अच्छा हरा भरा करना चाहते हैं तो आप इसे लगा सकते हैं, जो कि एक बेल वैरायटी वाला प्लांट है, क्रीपर प्लांट है। एक ही प्लांट से आपका घर में बहुत अच्छे से हरा भरा हो जाएगा और इसमें बंचेस में फ्लावर आते हैं। और इसे झुमका झुमका पौधा भी बोला जाता है, जो झुमका पौधा होता है इसका नाम वो भी बोला जाता है और मधुमालती के नाम से भी इसे जाना जाता है। और इसके फूलों की खुशबू बहुत अच्छी होती है और आपको ये हर जगह पे ही देखने को मिल जाएगा। हर जगह ही, हर किसी के घर में ज़्यादातर ये प्लांट देखने को मिल जाता है। इसकी मिट्टी को बनाने के लिए आपको 50% गार्डन सॉइल और 30% कंपोस्ट और 20% सैंड यूज़ कर सकते हैं आप, और इस प्लांट को लगा सकते हैं। उसमें 2 चम्मच आम नीम की खली, थोड़ा सा फंगीसाइड ऐड कर सकते हैं। और जैसे ही मौसम अच्छा होता है, ठंडा होता है, तो आप इसमें सरसों की खली का पानी भी दे सकते हैं, केलों के छिलकों का पानी भी दे सकते हैं। और जैसे आपके पास वर्मी कंपोस्ट होती है तो आप उसका भी पानी इसे दे सकते हैं। तो आप किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र इसे दे सकते हैं। ओवर वाटरिंग नहीं करनी, क्योंकि कई बार ओवर वाटरिंग करने से इसके फ्लावर जो है बहुत जल्दी झड़ने लगते हैं और पत्तियां जो हैं पीली होने लगती हैं। और इसका डोरमेंसी पीरियड्स होता है वो विंटर का होता है, और जैसे ही समर्स आते हैं फिर से ये अच्छे से ग्रोथ करता है। और ये समर्स में ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग, बंचेस में इसकी फ्लावरिंग होती है। अगर आपको भी फूलों की कमी है तो आपको भी अगर प्लांट्स लगाने हैं, एक ही प्लांट से आपको पूरा घर को हरा भरा करना है, तो आप ऐसा प्लांट लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं मिट्टी एकदम ड्राई है। मैं भी जब पानी तब देती हूँ जब इसकी मिट्टी एकदम ड्राई हो जाती है। और ये बहुत अच्छा परमानेंट प्लांट है। आप इसे कटिंग से भी लगा सकते हैं, जुलाई अगस्त में बहुत अच्छे से कटिंग से लग जाता है। ये 10 इंच की आपको कटिंग लेनी होगी, जिसमें आपको 4 इंच तक उसे मिट्टी में लगाना होगा। और थोड़े ही दिन में, मतलब कि 2 से 3 हफ्ते में इसकी कटिंग ग्रोथ होने लग जाती है, तो आपके पास एक न्यू प्लांट आ जाएगा। और नर्सरी में भी बहुत आसानी से ये प्लांट मिल जाता है। तो आप ऐसा प्लांट ज़रूर अपने घर पे ऐड करें, जो कि एक ही प्लांट से आपके पूरा घर ही अच्छे से, क्रीपर जैसे होते हैं ना, बेल वाली वैरायटी है वही है। थैंक यू सो मच।